थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप इज असिमिलेशन, एंड फिफ्थ स्टेप इज इजेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंजेशन, कि इंजेशन होता क्या है। वी हैव टॉक्ड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली है। लाइक इस तरीके से कुछ अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर देखी थी। तो जो माउथ से अपन फूड को इंटेक कर रहे हैं, माउथ को जो है अपन छोटे छोटे पीसेस के अंदर अपन ले रहे हैं, फूड को लेने के बाद में टीथ से जो है अपन खाने को च्यूइंग कर रहे हैं, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इट मीन्स व्हाट इज इंजेशन, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अपन जो है फूड इंटेक कर रहे हैं, इंटेक करने के बाद में उसको मैस्टिकेट कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन की जो प्रोसेस है वो माउथ के थ्रू होती है। दिस इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वी कैन से इंजेशन की जो प्रोसेस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की एंटीरियर ओपनिंग से होती है। इसके बाद में सेकेंड अपन बात करें तो सेकेंड प्रोसेस होती है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर इन एक्चुअल होता क्या है कि जो भी लार्ज कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज दैट इफ यू टॉक अबाउट अपन ये चपाती खाई है, अपन ने चपाती खाई है, चपाती जो है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर फाइनली इट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज, फाइनली इट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। चपाती के अंदर जो है स्टार्च है, स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज फाइनली कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट था दिस इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। इन शॉर्ट वी कैन से कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टिंग इनटू सिंपल फूड मटेरियल, वी कैन से एब्जॉर्ब हो सके उस वाले फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। इसके बाद में अपन बात कर डाइजेशन की जो प्रोसेस है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम बकल कैविटी, बकल कैविटी से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी से स्टार्ट होती है। इसके अलावा इसोफेगस के अंदर ये नहीं होती है, स्टमक के अंदर ये होती है डाइजेशन की प्रोसेस। स्टमक के अलावा फिर किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अपन देखने वाले हैं कि बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, और स्टमक के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, दैट विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद में अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है एनाटॉमी याद आ रही हो, तो अपन ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लाइक सपोज दैट दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो सबसे अंदर वाली जो लेयर थी उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे थे, इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे थे, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन ने नाम दिया था विली या फिर विलस। ये जो विलस है इनके अंदर ब्लड स्ट्रीम्स कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहती है। इनका मेन फंक्शन होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी अपन ने स्टार्च वगैरह खाने के अंदर लिया था, फाइनली ड्यूरिंग डाइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय दीज विलस, इन विलस के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में दैट फूड मटेरियल दिस वन इज सर्कुलेटेड इन होल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर जो है ये ग्लूकोज सर्कुलेट हो जाता है। सो जो भी फूड जो है डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्टेड फूड का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना और या फिर एब्जॉर्ब होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज
एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मेनली टेक्स प्लेस इन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. इंजेशन इज टेकिंग प्लेस इन साइड माउथ और दिस प्रोसेस इज डन बाय माउथ. डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन बकल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. इसके बाद में absorption is taking place in small intestine. Why? Because small intestine has finger-like projections. इसके बाद में बात करते हैं assimilation. Assimilation का मतलब होता है कि जो भी खाना digest हो चुका था, that food is circulated in all cells of the body. अपनी body की जितनी भी cells हैं, उनके अंदर circulate हो गया है. So ये जो digested food है, absorbed food है, इसका energy के अंदर convert होना. किसके अंदर कन्वर्ट होना है? इसका एनर्जी के अंदर. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो है डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, दैट प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन. असिमिलेशन जो है मेनली बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर असिमिलेशन की प्रोसेस होती है. आई होप आपको इसके अलावा जो है 11th का भी याद आ रहा होगा. दैट्स वाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई? बिकॉज असिमिलेशन की प्रोसेस किसके अंदर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है. असिमिलेशन के अंदर जो है एब्जॉर्ब्ड फूड किसके अंदर कन्वर्ट होता है? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है. इसके बाद में नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइनल स्टेप, एंड दैट फाइनल स्टेप इज जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. रेक्टम के अंदर अगर स्टोर होता है, रेक्टम के अंदर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट स्टोर्स हियर, बट आफ्टर सम सर्टेन टाइम इट इज रिलीज्ड फ्रॉम एनस. इट इज रिलीज्ड फ्रॉम एनस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. तो अपन ने देखा है कि जो मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू फाइव स्टेप्स. नंबर वन स्टेप इज इंजेशन, नंबर सेकंड इज डाइजेशन, नंबर थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, नंबर फोर्थ इज असिमिलेशन, नंबर फिफ्थ इज इजेशन. इंजेशन के अंदर अपन ने देख लिया है कि जो भी खाना अपन खाते हैं या फूड को इनटेक करने की जो प्रोसेस है, उस इनटेकिंग प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंजेशन. फिर टीथ की हेल्प से उसको मैस्टिकेट करते हैं. मैस्टिकेट करने के बाद में उसके अंदर सलाइवा इंक्लूड हो जाता है या फिर सलाइवा ऐड हो जाता है, जो कि पैरोटिड ग्लैंड से या फिर सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. तो जैसे ही फूड के अंदर सलाइवा ऐड होता है, नाउ दिस फूड इज नोन एज बोलस. फूड के अंदर जैसे ही मैस्टिकेटेड फूड के अंदर सलाइवा ऐड हो चुका है, नाउ वी कॉल इट बोलस. अब अपन इसको क्या बोलने वाले हैं? बोलस. तो अपन ने देखा है कि इंजेक्शन के अंदर खाना लिया है, मैस्टिकेट किया है, सलाइवा उसके अंदर ऐड हो गया है, एंड द फूड इज नोन एज बोलस. इसके बाद में डाइजेशन की प्रोसेस अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं कि बकल कैविटी के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है, स्टमक के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द स्टेप्स. इनके अंदर जो है अपन ने मेनली फर्स्ट स्टेप की बात की है. किसकी बात की है? फर्स्ट स्टेप की बात की है. इसके बाद में वी विल टॉक अबाउट रिमेनिंग स्टेप्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज इंजेशन, इंजेशन होता क्या है. देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डाइजेशन. ऑलराइट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.